शहर के साई सुमन लॉन में पर्यावरण संवर्धन संस्था द्वारा आयोजित कर्मयोगी गाडगे बाबा के 65वीं पुण्यतिथि उत्सव निमित्त आदर्श गांव की संकल्पना बताने महाराष्ट्र के जिला के आदर्श गांव पाटोदा के आदर्श भूतपूर्व सरपंच भास्कर राव पेरे पाटिल के व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को विधायक समीर कुणावार, हिंगनघाट कृषि उत्पन्न बाजार समिति सभापति एडवोकेट सुधीर बाबू कोठारी, महाराष्ट्र नव निर्माण सेने के राज्य उपाध्यक्ष अतुल भाऊ वांदिले, उप विभागीय अधिकारी शिल्पाताई सोनाले, तहसीलदार सतीश मसाल, ग्राम विकास शिक्षण संस्था के अध्यक्षा डॉक्टर प्रोफेसर उषा किरण थूटे, पूर्व नगर अध्यक्ष गिरधर राठी, दिगंबर राव खांडरे, विदर्भ विकास आघाड़ी के अनिल जवादे, थानेदार संपत चौहान, रुग्णमित्र गजूभाई कुबड़े आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। इस प्रसंग पर भास्कर राव पेरे पाटिल के हस्ते सरपंचों का सत्कार किया गया। इस प्रसंग पर उन्होंने सरपंच को आदर्श गांव कैसे हो इस विषय पर मार्गदर्शन करते हुए गांव का चेहरा मोहरा बदलने संबंधित मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम में तालुका के सरपंच नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हिंगनघाट से बीसीएन न्यूज के लिए रवि यनौरकर की रिपोर्ट।